तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन एंड ऑफर में। आज हम बात करने वाले हैं जीमेल आईडी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीमेल आईडी आज के समय में किसी अधिकारी से संपर्क करना है तो उसमें भी जीमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं, या अभी तो आपके बैंक में भी जीमेल आईडी लिंक होने लगा है। तो ऐसे में आप गूगल पे या कोई ट्रांजेक्शन वगैरह ऐप चलाते हैं तो उसमें भी जीमेल आईडी आपको लगता है, तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो वो सारा डिटेल जीमेल आईडी में आता है। जीमेल आईडी से आप उसे पेपरलेस करते हैं, यानी कि आप उसे डाउनलोड भी वहां से कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आपको एक परफेक्ट जीमेल आईडी कैसे बनाना है अपने लिए। वैसे आम जीमेल आईडी आप अपने मोबाइल में बनाते हैं तो उसमें जीमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, आपका क्रिएट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप एक परफेक्ट जीमेल आईडी कैसे बना सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर वेरीफाई करना और उसे रिकवरी के लिए अलग से उसमें एक और जीमेल आईडी अटैच करना। जैसे कि मान लो आपका जीमेल आईडी किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ चुका है या हैक हो गया है, तो आप उस जीमेल आईडी को दूसरे जीमेल आईडी जो उसमें लिंक रहेगा उससे रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है आप बड़े आराम से एक परफेक्ट और 100% सेफ जीमेल आईडी कैसे बनाना है, इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आ जाएंगे। मोबाइल में आने के बाद यहां पे यूसी या क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। मैं क्रोम में ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्रोम ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर यहाँ पर सर्च बॉक्स में आ जाना है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको gmail.com यहाँ कीपैड में आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे देखिए gmail.com टाइप करके यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर लेना है। यहाँ पे जब आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है लिंक्स मिल जाएंगे gmail.com से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको नीचे चले आना है, यहाँ भी जीमेल फ्रॉम गूगल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपके सामने यूजर इंटरफेस आ जाएगा जीमेल का। तो यहाँ पे गेट जीमेल, तो इसे सबसे पहले आप डेस्कटॉप मोड में यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे कोने, यहाँ डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे कर देंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद यहाँ पे आपको मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको क्रिएट ऑप्शन जो है क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपना गूगल अकाउंट बनाए इस प्रकार से लिखा हुआ जो है आ गया। तो यहाँ पे आपको नाम, उपनेम जो है, पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड आपको फिर से कंफर्म कर देना है, यहाँ आगे बढ़ जाना है। तो चलिए मैं आपको पहले अपना नाम डाल लेना है, जैसे मैं अनुज नाम, इसके बाद आप मौर्या हैं कि कुछ क्या हैं वो आप अपना सरनेम डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जीमेल आईडी डाल लेनी है, जीमेल आपको जैसे अनुज पाल मैं यहाँ पे डाल के, यहाँ पे जो है gmail.com ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अनुज पाप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल के तौर पे। यहाँ पे अब आपको पासवर्ड चॉइस करना है। पासवर्ड आपको इस टाइप बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे कीपैड में यहाँ पे सबसे पहले बड़ा अक्षर ले लेना है। आपको कोई एक बड़ा ऐसे दाब देंगे तो सारे बड़े में आ जाएंगे। जैसे ए बड़ा ले लेना है, NIL मुझे अनिल टाइप करना है। फिर इसके बाद आप चाहे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लिख रहे हैं वो शो होने लगे, दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है आपको ले लेना है, चाहे आप स्पेशल करेक्टर मानी कि जीमेल वगैरह यहाँ पे एक स्पेशल करेक्टर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको वही पासवर्ड फिर से जो ऊपर दिए हैं पुष्टि करने के लिए, वही पासवर्ड आपको क्लिक कर देना है, फिर से वही पासवर्ड टाइप कर लेना है। यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका नाम, उपनाम, इसके बाद जीमेल जो है आपको जो रखना चाहते हो रख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे आपको वही पासवर्ड कंफर्म करना है। यहाँ पे आगे बढ़े, यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आप कौन से मोबाइल नंबर से इसे इस जो है पासवर्ड को वेरीफाई, जीमेल आईडी और पासवर्ड को वेरीफाई करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर स्थापित करें, यहाँ पे आगे करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे इसी जो आपने नंबर डाला है उसी पे
एक ओटीपी आएगा, जैसे हमारा ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी हम आपको खोल के ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओटीपी आपको वहीं पे सबमिट करना है। तो ये ओटीपी उसी पे आता है जिस पे आप जो है जो मोबाइल नंबर वहाँ पे डालेंगे, जैसे यहाँ पे अब आप ओटीपी अपना जनरेट कर देंगे। जैसे जनरेट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे वापस ले लेंगे, यहाँ सत्यापन करें, यहाँ पे आगे नेक्स्ट अगर इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे खाता वापस पाने के लिए पता, ईमेल आईडी, ये मेन है। अगर आप रिकवरी के लिए आप कोई एक ईमेल आईडी ज़रूर दे देना है, जैसे यहाँ पे मैं आप ईमेल आईडी एक रिकवरी, यानी कभी आपके खाते में प्रॉब्लम आया तो रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिन डाल लेना है, जन्मतिथि यहाँ पे जो है महीना डाल लेना है, यहाँ पे आप सन डाल लेना है यानी साल डाल देंगे, यहाँ पे आप साल डाल देंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको लिंक से आप पुरुष स्त्री यहाँ पे चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद यहाँ पे आगे आगे बढ़ें, यहाँ पे आगे आ जाएगा। अगर आप ये सब इंग्लिश में करेंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आगे नेक्स्ट का यहाँ पे आता है, इसी मैं आगे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे आगे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ जो है गाइडलाइंस है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, तो नहीं तो आप यहाँ पे हाँ ठीक है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपको सहमति देनी है, मैं सहमत हूँ, आप चाहे तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपका गूगल जो है यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गया है। अब आप इसे चेक करना, आपने जीमेल में इसे लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीमेल का बटन दबाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर में आपको जो है लोगो दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे हमारा दो जीमेल पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, एक जीमेल और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जीमेल जो है लिखा हुआ आ जाता है। अब आपको वही पासवर्ड डाल लेना है जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया था वहाँ पे। वही पासवर्ड डालने के बाद आगे यहाँ पे आगे बढ़े यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आप जीमेल पे आएंगे, यहाँ पे आपको अब आप देखेंगे आपका जीमेल जो है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा, आप यहाँ से उस जीमेल को चालू कर सकते हैं आराम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दो था, ये तीसरा वाला यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है जीमेल इसी पे चालू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख ही चुके होंगे, इसी प्रकार से आप अपने लिए एक परफेक्ट जीमेल आईडी बना के रख सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये इसमें आपको जो है मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हो जाता है, और इसे मान लो किसी प्रकार से आपका जीमेल आईडी नहीं याद रहा या किसी प्रकार से प्रॉब्लम आया तो जो है आपका दूसरा जीमेल आईडी जो इसमें डाल लेंगे, उस वो जीमेल आईडी के जरिए आप इसे फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक परफेक्ट जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में बैंक अकाउंट में भी आपका जीमेल आईडी लग रहा है, और बहुत सारे ऐप जो यूज करते हैं पेमेंट से रिलेटेड, उसमें जीमेल आईडी ये एक अहम रोल निभाता है, यानी जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसी में आपका जीमेल आईडी में ही ये सारी डिटेल परफेक्ट आती हैं। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा।